रामपुर शाहबाद क्षेत्र के कुप गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ के पानी ने 7 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी तरीके से मकान ध्वस्त हो चुके हैं। बाढ़ का पानी लगातार गांव को काट रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। वहीं ग्रामीणों ने मांग की कि अगर जल्द प्रशासन ने गांव के आसपास पत्थर नहीं लगवाए तो शायद आने वाले दिनों में ये गांव नहीं बच पाएगा, बाढ़ पूरी तरीके से गांव को काट देगा। तो वहीं गांव के ग्राम प्रधान पर भी लापरवाही और विकास नहीं करने के कई सारे आरोप लगाए। इसके अलावा प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। 7-8 मकान कट चुके हैं, बाकी ये कटान पर। कौन सा गाँव है ये? तो प्रधान ने कोई बचाव के नहीं कोई इंतजाम किया? पत्थर लगाया? कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम ना, कई प्रस्ताव दिए गए। तो आप बताओ चाचा क्या कहोगे? हम जो कह रहे हैं कि जो कटान को यहाँ पर कोई पत्थर वगैरह लग जाते हो तो सही हो, और जो तो यहाँ कटान चलते ही रहे, कोई इंतजाम ना हो। हाँ, जो तो यहाँ कट गए, जो जगह सब यहाँ पक्की ही, सब जो सब जगह कट गई यहाँ पर, और एक ही परेशानी है यहाँ पर कि नाव घाट की के आदमी को पैरती नजर आ रहे हैं सब। 50 सब गंगा में घूटा पड़े हुए हैं, और ये तो ठेरा बन रही है। तो कैसे रुक सकता है इसका कटान? पत्थर तो रुकेगा। तो पत्थर नहीं लगवा रहा प्रशासन? नहीं नहीं, यहाँ तो बस वोट मांगने आते, फिर बाद में देखते हमारे 2 मकान कटे हो सके। अगर पत्थर लग जाएगा सुविधा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। ये गाँव कट ही रहा है, हमारे तो 2 मकान कट गए और जो जगह गंजनी कट गई, 50 का आम हो गई गले पर। तो कोई मुआवजा मिला सरकार की तरफ से? एक रुपए का अधिकार नहीं है। इनको एक लेंटर लटक हुआ, वो देख लो, वो देख लिया मैंने। 50 साल का है इन पे, अब यहाँ आ गया पानी, अब यहाँ बन रही है। यहाँ काफी गाय बीमार भी हो चुकी है, इस चक्कर में डॉक्टर नहीं आए, वो मर गई। अच्छा, इसी चक्कर में भूखी प्यासी क्या करें, जब पार जा नहीं सकते, ढूंढ के मर रहे हैं और वो सब। इस मामले में प्रशासन के अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।